इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया है, बट अगर उनके रिचेस्ट मैन बनने की जर्नी को देखें तो इनकी जर्नी स्टार्ट होती है 1990 में, जब ये अपने भाई के साथ मिलके एक ऑनलाइन लोकल डायरेक्टरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहता है जीप2। और बाद में 1999 में इसे कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉरपोरेशन खरीद देती है $307 मिलियन दे के। इस डील से 27 साल के मस्क को $22 मिलियन का प्रॉफिट होता है, और इससे वो एक कार, स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं $1 मिलियन की, और बाकी पैसा ये ऑनलाइन बैंक में लगा देते हैं जिसका नाम है एक्सकॉम, जो आगे चल के पेपाल के नाम से फेमस होती है। इसे ईबे 2002 में ख़रीद लेती है $1.5 बिलियन दे के, और इस डील से मस्क को करीब $100 मिलियन का प्रॉफिट होता है। इसके बाद 2002 में वो नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम स्पेस एक्स पड़ता है, और आगे चल के इस कंपनी की वैल्यू आज के टाइम में $100 बिलियन है। इसके अलावा वो बाकी बचा हुआ पैसा 2003 में स्टार्ट हुई टेस्ला कंपनी, जिसे मार्टिन एम्बरहर्ड और मार्क टेम्परिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट राउंड इन्वेस्टर बनते हैं 2004 में, और लेटर चल के ये उस कंपनी के 2008 में CEO ही बन जाते हैं। इस कंपनी की कीमत $1 ट्रिलियन है आज के टाइम में। इसके अलावा वो अदर कंपनी भी स्टार्ट करते हैं, टर्न जिसका नाम पड़ता है बोरिंग कंपनी, और इस कंपनी की वैल्यू आज के टाइम में $5.7 बिलियन है। इसके अलावा वो अदर वेंचर भी स्टार्ट करते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पे न्यूरोलिंग और AI रिसर्च कंपनी OpenAI। ये सारी कंपनी एलन मस्क की हैं जिनकी वैल्यू आज काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू।